चलते हैं। सबसे पहले लगाना है बेस कोट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी रिंग फिंगर पे ये नेल आर्ट बनाना है। उसके लिए आपको चाहिए एक कोई भी न्यूड शेड जो कि भी लाइट कलर का हो, और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बनाना है आइसक्रीम कोन। तो उसके लिए आपको ये जो ब्रश है ये है मीडियम लाइनर ब्रश, ये चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इससे दो लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, कुछ वी शेप आपको बनाना है। और इसी की हेल्प से मैंने सबसे पहले क्या किया है, इसमें कलर जो है वो ब्राउन शेड लिया है, और उसके बाद आपको इसे अच्छी तरीके से फिल कर लेना है। और इसके बाद आपको ब्रश जो है वो सेम ही यूज करना है, पर आपको ब्राउन से थोड़ा लाइट शेड यूज करना है। और उसके बाद आपको इस तरीके से कोन के अंदर जो डिजाइन होती है वो कर लेनी है, कुछ इसी तरीके से। अगर आप करते हो लाइक ऊपर से नीचे तक, तो वो जो लुक है ना वो बहुत अच्छा और रियल लुक आएगा उसमें। और उसके बाद आपको ऊपर के पार्ट पे भी कुछ इसी तरीके से लाइंस बना लेनी है, और ये लाइंस जो है वो जितनी थिन बनाओगे उतनी अच्छी बनेगी। और ये स्टेप पे आते आते आपको क्या करना है, आपको आउटलाइन बना लेनी है ये जो कोन है इसकी। और उसके लिए मैंने यूज किया है ये ब्लैक नेल पॉलिश को, कुछ इस तरीके से शेड देना है आपको। और उसके बाद ड्राई होने के बाद ये मेल्टिंग आइसक्रीम आपको बनानी है। इसके लिए मैंने सबसे पहले पर्पल कलर यूज़ किया है, फिर ये जो ब्राउन कलर है जो कि चॉकलेट फ्लेवर है उसके लिए यूज़ किया है, फिर जो है मैंने पिंक कलर यूज़ किया है। जैसा कि आप देख सकते हो ये डॉटिंग टूल जो है ये लार्ज साइज का डॉटिंग टूल है। तो अब ये कंप्लीट होने के बाद आपको जो है जो कलर आपने यूज़ किए हैं आइसक्रीम्स के लिए, आपको उन्हीं कलर्स के जो है डार्क या फिर कोई लाइट शेड लेने हैं सेम उसी तरीके से। और फिर उसके बाद आपको आइसक्रीम के ऊपर की तरफ थोड़ा सा शेड दे देना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, चेरी बना लेनी है टॉप पे सबसे ऊपर। उसके बाद आपको गोल्डन नेल पॉलिश लेनी है और इस तरीके से शेड कर लेना है आइसक्रीम के ऊपर। तो अब बाकी के नेल्स के लिए आपको सबसे पहले मिडिल फिंगर पे लेना है कुछ इस तरीके से लेवेंडर कलर, और इसे अपने जो नेल है उस पर अच्छी तरीके से लगाना है। और सेकंड जो है वो अपने इंडेक्स फिंगर पे गोल्डन नेल पॉलिश लगानी है, जैसे कि मैं यहाँ पे भी यूज़ कर रही हूँ। और जो सबसे स्मॉल वाली फिंगर है इस पर मैंने लगा लिया है रेड कलर। तो उसके बाद मैं ले लूँगी स्मॉल साइज डॉटिंग टूल, और इसकी हेल्प से मैं बनाऊँगी स्प्रिंकल्स। ये जो स्प्रिंकल्स है इसमें अलग अलग शेड्स का यूज होता है, तो ये कुछ शेड्स है मेरे पास जो अवेलेबल थे। और इस तरीके से जैसे आप एक डॉटिंग टूल से डॉट रखते हो उसी तरीके से आपको एक लाइन खींच लेनी है। तो इस तरीके से अगर आप स्प्रिंकल्स बनाओगे तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से बन जाएंगे। और ये जो है ये मैंने अपनी बाकी फिंगर्स पे भी यही किया था। अब यहाँ पे अगर आप और कलर्स का यूज़ करना चाहो, जैसे कि लाइट ब्लू हो गया, बेबी पिंक हो गया या पिंक हो गया, तो इस तरीके के कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। और अब हो गया है नेल आर्ट रेडी, और ड्राई होने के बाद मैं लगा लूँगी टॉप कोट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया है यहाँ पे नेल आर्ट कंप्लीट, और आप देख सकते हो ये कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ईजी भी है इसे बनाना। और अगर आप फ्री बैठे हो या फिर आप चाहते हो या फिर आप सीख रहे हो नेल आर्ट, तो ये जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए। अगर छोटे से ही ट्राई कर रहे हो तो आप स्प्रिंकल से ही ट्राई कर सकते हो, सिर्फ उस पर